ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दो थानों के आसपास जलभराव और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे न केवल पुलिसकर्मी फरियादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आसपास रह रहे लोगों के लिए भी ये बीमारियों की वजह बना हुआ है। इस समय मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर के ठीक बाहर। मैं आपको ये नजारा दिखाना चाहूंगा, यहाँ कितनी गंदगी है आप देखिए खुद। ये देख सकते हैं ये पानी है, पानी के अंदर जो आप देख सकते हैं कितनी पन्निया कूड़ा पड़ा हुआ है, और इसमें जो है आगे दूर तक आप नजर जाएगी जो आपको दिखाई देगा, पानी ही पानी दिखाई देगा बिल्कुल। एक तरफ ये थाना है, थाना आप देख सकते हैं, थाना दिखाई दे रहा है उस्मानपुर, ये थाना है। दूसरी तरफ जो है एक कॉलोनी है, कॉलोनी आप देखिए पूरी कॉलोनी को देख सकते हैं, ये सिलमपुर की कॉलोनी है यहाँ पर। और आगे भी आप, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा जहाँ पर इतनी गंदगी है, कूड़ा पड़ा हुआ है। जो बताया जा रहा है यहाँ पे लोग जो है कूड़ा फेंक देते हैं, कोई नेता यहाँ पर देखने नहीं आता, इनकी सुध लेने नहीं आता। यहाँ पे हजारों बीमारियां जो है पनप रही है, और पुलिस को भी अपना डर कहीं ना कहीं सताने लगा है कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं। हमारे साथ यही एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है सर। सोनू, ये कब से कूड़ा पड़ा है, कब से यहाँ गंदगी होती है बताइए। सर हम तो जब से होश संभाले आज शुरू से गंदगी देखी, हमने कभी यहाँ पर सफाई देखी नहीं। ना यहाँ कोई विधायक आता, ना कोई नेता आता, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर सब दिखते हमारे घरों में, हमें वोट देना हम ख्याल रखेंगे। गंदगी का काम के टाइम पे आते तो कोई मिलता नहीं है हमें ऑफिस में कभी भी। अच्छा, ये रोड देखेंगे, जो रोड जो बंद कर रखा है ये वाला, ये कब से बंद पड़ा है और कब से मतलब चालू नहीं किया गया ये रोड? सर जब से हमने उस संभाला है कभी सफाई नहीं देखी, यहाँ बंद ही है हमेशा से। ये कॉलोनी है बराबर में, ये बराबर में थाना, यहाँ गंदगी का कितना डर है, हम लोग निकलते भी नहीं है घर से इतनी बार। और सामने आप देखोगे तो हॉस्पिटल है इतना बड़ा। अच्छा, हॉस्पिटल भी यहाँ पास में है जगचंद्रपुर में। ठीक, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ गंदगी है। जैसा सोनू ने हमें बताया, सिलमपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने बताया हमें कितनी गंदगी यहाँ पर है। देखा आपने, आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा और निगम पार्षद साहिस्ता के इलाके में आने वाले खजूरी खास थाने के आसपास जलभराव की बड़ी समस्या है। थाने के आसपास सालों से सीवर का गंदा पानी फैला रहता है। थाने के चंद कदमों में ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आसपास के लोग वहां कूड़ा डालते हैं, जिसकी दुर्गंध की वजह से थाने के आसपास के लोगों का रहना दुर्भर हो गया है। राहगीरों का आरोप है कि यहां कोई नेता इनकी सुध तक लेने नहीं आता। और यहाँ पर जो ये कंडीशन है, यहाँ पर जो पुलिस स्टाफ है, इसमें 24 फ्लैट है, 24 फ्लैट के अंदर ओनली 10 ही फ्लैट कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी हैं फ्लैट्स क्यों नहीं लेते हैं गवर्नमेंट, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इस एरिया को देखकर, हम अपनी गाड़ी, हमारी नई गाड़ी है, इसमें 4 बार पंचर हो चुका है इस गाड़ी के अंदर, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम यहाँ पे लाखों का आना जाना है, बाकी नेता आते हैं अपना, उनको वोट से मतलब है, वोट बैंक से मतलब है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी गिनने से बचे पानी में है, इतना घोटो घोटो पानी भर रहा है। तो सरकार को देखना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है। सरकार पे गए कभी आपने? अच्छा, बच्चा भी साथ में है, तो ये कब से भरा हुआ पानी? ये तो भरा ही रहता है, ये तो सालों हो गए पानी भरते हुए, सालों से भरा हुआ है यार, कभी पानी यहाँ आए दिन भरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को दिक्कत होती है निकलने में। मान लो बहुत से तो ऐसे होते हैं गाड़ी स्लिप हो जाती है, गिर भी जाते हैं, उसमें चोट लग जाती है। यहाँ पर गंदगी इतनी हो रही है कि जिसमें बीमारी बहुत फैल रही है, तो इस चीज़ को सही करवाया जाए। जबकि थाना सामने है, थाने होने के बावजूद तो ये रोड सही होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी कोई सही नहीं हो रहा। कोई भी अधिकारी है, कोई भी इस पर गौर नहीं कर पा रहा है। कोई भी आने जाने वाला आदमी है, जैसे बच्चे निकल के जा रहे हैं, कोई भी आने जाने वाला आदमी है, तो अनजान आदमी, उसको नहीं पता होगा आगे इधर से निकलते हुए आ रहे हैं या इधर से निकलते हुए आ रहे हैं। कई बार तो इसमें गाड़ियाँ भी जा चुकी हैं, और ये कम से कम 20 फुट से ज़्यादा नीचे गहरा गड्ढा है, जो एक बार चला जाता है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो तो बेचारा डूब के मरेगा। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। ये उस्मानपुर थाने के सामने वाली सड़क का हाल है। कई सालों से ये सड़क भी नहीं बनी है। आगे से ये रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया गया है। जहां तक भी आप देखेंगे आपको कूड़ा ही नजर आएगा। आपको बता दें कि यहां के विधायक आम आदमी पार्टी से हाजी इशराक खान है। यहां भी लोगों का आरोप है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। थाने के पास और कॉलोनी के पास एक बहुत गड्ढा है जो कि कई सालों से खुला पड़ा हुआ है। लगभग 10 वर्षों से ये रोड इसी तरह से पड़ा हुआ है। थाने की दीवार के साथ साथ पुराने थाने को भी तोड़ के ऐसे ही मलबा डाल रखा है। लगभग 10 वर्ष हो गए इस रोड को बनते 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 बनते, और अब तक ये बन नहीं पाया है। मेरा जनप्रतिनिधि सभी से आग्रह है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाने का कार्य शुरू कराए, क्योंकि आप अपने हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ से वहाँ तक कई जगह पानी इकट्ठा हुआ पड़ा बरसात का। आगे भी ये किसी बीमारी के लिए कहीं ना कहीं आमंत्रण देता है लोगों को, और पड़ोस में दोनों कॉलोनियाँ सीलमपुर भी और शास्त्री पार्क भी लगी।
सर बीमार पड़ गए हम तो, बहुत बीमार हो गए। कैसे? मच्छर काटते हैं हम, कैसे कैसे मच्छर है, गंदगी की वजह से, कूड़ा देख लो आप, कूड़े की वजह से। कोई विधायक आता है यहाँ कभी शिकायत नहीं की आपने? नहीं आते। निगम पार्षद आते हैं, वो सुन के चले आते हैं। सर जब से हमने उससे माला है कभी सफाई नहीं देखी, यहाँ बंदी है हमेशा से। ये कॉलोनी है बराबर में, ये बराबर में थाना, यहाँ गंदगी का कितना डर है, हम लोग निकलते भी नहीं है घर से इतनी मारे। और सामने आप देखोगे तो हॉस्पिटल है इतना बड़ा। आज हमने आपको थाने के बाहर फैली गंदगी से रूबरू कराया और आगे भी आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा के साथ राकेश चावला, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर